हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 5G फ़ोन है तो रेडमी 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे हमें फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट वगैरह कैसे ले सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैसे ले पाएंगे रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे जिस पर जाकर आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ले पाएंगे अपने फ़ोन में, सिंपली देख सकते हैं कि आपके फ़ोन के जो भी आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, जिसमें सेटिंग्स पे जाएं और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन पे ले सकते हैं और ले पाएंगे अपने रेडमी फ़ोन में, जिसका यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स पे जाते हैं जहाँ से आपको कैप्चर शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से टेक स्क्रीनशॉट पे जाकर इसको ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से 3 फिंगर स्लाइड करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको ऑन कर देंगे तो आप पावर वॉल्यूम बटन्स के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोस को शेयर करें।